हेलो बच्चों, बोर्ड पर डायग्राम को देखकर सोच रहे होंगे, बस अब और मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना। कितना करंट हम फ्लो कराएंगे, कितने मैग्नेट्स बनाएंगे और कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थोड़ा सा बियर और करिए। ये चैप्टर यूजुअली बच्चों को मुश्किल लगता है। वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा है, लर्निंग एंड क्रामिंग कम है। और अंडरस्टैंड आप लोग करना नहीं चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते ना, बस सीधे सीधे आंसर मिल जाए और सोचना ना पड़े, अप्लाई ना करना पड़े। ये एक प्रॉब्लम है। बट आपका साइंस का पेपर जो CBSE ने अब डिसाइड किया है कि वो दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड। इस तरह के चैप्टर्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, ये आपकी थिंकिंग को थोड़ा बूस्ट करते हैं। आप इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को और कहाँ किन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। ये पोर्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहता है, रहेगा। एंड यूजुअली हम अपनी लाइफ में भी जब तक चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, हम उनके रीजन आउट नहीं करेंगे चीज़ों को, फिनोमिनन को, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। बाकी खैर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे किसी भी एक भी कंसेप्ट को एंड रूल्स को रिवाइज करेंगे, फिर बाद में आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। आज जैसे आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है और कुछ कुछ आप इसे समझने की कोशिश करिए कि यहाँ AB नाम से हमने एक कंडक्टर लिया है, एल्यूमिनियम की रॉड ली जाती है बेसिकली इस एक्टिविटी में, और ये कनेक्टेड है बैटरी और स्विच से। बी जो एंड है रॉड का, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड द ए एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। बहुत लंबा चक्कर लेकर के तार आ रही है, बिकॉज आप यहाँ बीच में एक हॉर्स शू शेप का मैग्नेट देख रहे हैं, यू शेप का, घोड़े की नाल चुंबक भी कहते हैं इसे, अश्वनाल चुंबक, हॉर्स शू शेप मैग्नेट। इस तरह से हमने मैग्नेट को रखना है और रॉड को फिक्स करना है कि मैग्नेटिक फील्ड और जब करंट इसमें से फ्लो करेगा, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बी कनेक्टेड है, तो स्विच ऑन करने पर करंट इस तरह से फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फ्रॉम बी टू ए करंट ऐसे जाएगा एंड दिस इज हाउ करंट विल कम बैक। इस तरह से सर्किट पूरा होगा। करंट जो है वो बी टू ए फ्लो करे एंड हमने हॉर्सशू शेप मैग्नेट को इस तरह से रखना है कि नॉर्थ पोल मैग्नेट का रॉड के नीचे एंड द साउथ पोल इज अबव द रॉड, वो रॉड के ऊपर हो। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, फाइन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और करंट के डायरेक्शन आप देख रहे हैं बी टू ए, ये दोनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हों, फाइन। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, वी विल ऑब्जर्व। आप सोचिए क्या होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, एक रॉड, एक कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उसे एक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, एक और मैग्नेटिक मैग्नेट के पास रखा गया, और जिस भी वायर या कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है वो खुद किस तरह से बिहेव करती है, सोचिए। यस, मैग्नेट की तरह। ये अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा, एक और मैग्नेट के फील्ड में इसे हमने रखा हुआ है। जो दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दो मैग्नेट्स हमेशा ऐसा करते हैं। इन दैट सिचुएशन रॉड ए बी जो करंट फ्लो होने पर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, उस पर एक फोर्स लगेगा, इट विल बी डिफ्लेक्टेड, इस पर हमें एक झटका, और ये अपनी पोजीशन से हिलती हुई, तभी हमने इसे स्टैंड, यहां मैं स्टैंड बनाना भूल गई हूँ, तो इस तरह से एक स्टैंड है यहां पर, तो स्टैंड से हमने इसे लटकाया हुआ है, फ्रीली सस्पेंडेड है, ये हिल सकती है। इस तरह से जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट एंड इट हैज बीन केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर मैग्नेट, तब इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इट विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज से क्या क्लियर हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये रॉड किस डायरेक्शन में जाएगी, उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग ने रूल दिया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहां थंब नहीं आएगा,
तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब आप यहां ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ा था, उसमें थंब वर्ड आ रहा था, यहां थंब नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल है। इट मींस अब हम अपने लेफ्ट हैंड का, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, हम लेफ्ट हैंड का यूज करके फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने लेफ्ट हैंड की ये फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर एंड थंब, हम इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करना है, पूरा खींच देना है इन्हें, कि ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। इन दोनों के बीच में भी 90 बने और इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी, अगर हम यहां देखें तो ऐसे देखिए, यस, और बाकी दोनों फिंगर्स नीचे रहेंगे। अब आप थंब और इसको देखो तो स्ट्रेच करना पड़ता है काफी। इस तरह से हम इन तीनों को स्ट्रेच करेंगे, वी विल स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर है ना, 90 डिग्री का कोण बना रही है एक दूसरे के साथ। और जो फर्स्ट फिंगर है, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फर्स्ट फिंगर फील्ड, FF से आप रिलेट कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस तरह से लर्न करेंगे ना, फर्स्ट फिंगर फील्ड FF, सो इजिली मेमोराइज कर पाओगे। सो अब यहाँ नॉर्थ टू साउथ है, तो हमारा जो ये फर्स्ट फिंगर है वो किस डायरेक्शन में हम इसे स्ट्रेच करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ जो ये सेंट्रल फिंगर है, CC, करंट की डायरेक्शन शो करेगी, करंट है बी टू ए, सो हम इसे ऐसे लाएंगे, ये बी टू ए और ये अपवर्ड। नाउ इन विच डायरेक्शन थंब इज पॉइंटिंग, जिस भी डायरेक्शन में थंब जाएगा दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो थंब हमारा इस समय पर कहां इंडिकेट कर रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट पे जा रहा है। सो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट बी टू ए है, इन दैट सिचुएशन जो फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और वो हमने कैसे निकाली है डायरेक्शन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके। सपोज अगर हम यहाँ बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दें, प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, इन दैट सिचुएशन करंट कैसे फ्लो करेगा, ये हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। इस लाइन को लंबा कर दो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इन दैट सिचुएशन ये सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी करंट की, करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, ए टू बी, यहां पर डायरेक्टली शो कर देती हूँ, ए टू बी, ये ऐसे वापस आएगा। अब हम फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं की है, ये अभी भी अपवर्ड है, बट अब करंट की डायरेक्शन क्या है, ये इस तरह से ए टू बी। सो अब हमारा जो ये थंब है, ये किस डायरेक्शन, थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में। सो अगर आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ये दो चीजों की डायरेक्शन अगर हमें पता है, सो वी कैन डिड्यूस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर। सो अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसी एक चीज की डायरेक्शन चेंज करते हैं, सो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। सपोज अब हम इसे ही रहने देते हैं ऐसे ए टू बी, बट हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, यानी हम नॉर्थ को ऊपर रख देते हैं और साउथ को नीचे रख देते हैं, नॉर्थ टू साउथ। इन दैट सिचुएशन हमें किस तरह से स्ट्रेच करना है, ये करंट वाली जो सेंट्रल फिंगर है ये तो ऐसे ही रहेगी, बट अब नॉर्थ टू साउथ ये ऐसे घुमा देंगे आप, यस, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी हाथों की और आपकी आर्म्स की, ये इस तरह से। सो अब आप देखेंगे कि थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगेन रिवर्स, यानी कि अब फिर से लेफ्ट हो गया, क्योंकि अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर दी। ओरिजिनल सिचुएशन में क्या था, नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था, और करंट बी टू ए आ रहा था, अब करंट ए टू बी है और नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, सो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट, यानी अगर दोनों चीजों की डायरेक्शन चेंज करोगे सो करंट की फोर्स की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट दोनों में से किसी एक की चेंज करोगे सो फर्स्ट प्रीवियस वाली से रिवर्स हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जब ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में वर्टिकल होते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, परपेंडिकुलर होती हैं दोनों डायरेक्शन, देन जो फोर्स लगता है कंडक्टर पे दैट इज मैक्सिमम।
अदरवाइज अगर एंगल कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा और उसका एंगल भी वेरी करेगा. सो दिस वॉज, आज जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है आपका वर्कशीट 63. यस, वर्कशीट 63 जिसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है. ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये बेसिकली ये जो फिनोमिनन है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर विच हैज बीन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. यही फिनोमिना बेसिस बनता है इलेक्ट्रिक मोटर का, वैद्युत मोटर. इलेक्ट्रिक मीन्स वैद्युत मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो आप देखते हैं कि जो मोटर है उसके वाइंडिंग घूमने लगती है, ऊपर जो उसके ब्लेड्स होते हैं दे स्टार्ट रोटेटिंग और वो किसी भी पर्पस के लिए यूज होती है. इवन पंखे हमारे इलेक्ट्रिक फैंस में भी है, जो पानी ड्रॉ करने वाली पंप्स आते हैं वो भी इलेक्ट्रिक मोटर है. सो जो ब्लेड्स मूव करने शुरू हो गए यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी क्योंकि वो जो मोशन उसमें स्टार्ट हुआ है दैट इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. और हिंदी में अगर हम इसे लिखें सो वैद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में. तो ये एक्टिविटी, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस है इलेक्ट्रिक मोटर का कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है करंट फ्लो करता है कंडक्टर में से, उस कॉइल में से. So that experience is a force. और वो force इस तरह से लगता रहता है कि वो continuously rotate करती रहती है जब तक current उसमें से flow हो रहा है. So electric motor एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी device है जिसमें electrical energy is converted into mechanical energy. और किस direction में force लगेगा conductor को, it has been given by Fleming's and by the rule Fleming left hand rule, जिसमें हम left hand का use करते हैं. और Fleming left hand rule की डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट, आई शुडंट से डेफिनेशन, स्टेटमेंट जो इसका कथन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब 100% आना ही आना है. फाइन, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन आता ही आता है और डायरेक्टली आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है. एंड इट इज गिवन इन एग्जैक्ट टर्म्स. बिल्कुल आपने जब किसी की स्टेटमेंट हो, किसी की डेफिनेशन हो, कोई रूल हो, उसे वर्ड टू वर्ड आपने क्रैम करना है. एग्जैक्टली वैसा ही आप एग्जाम में लिखेंगे. फाइन, सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट. ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपकी वर्कशीट में दिया भी हुआ है एंड आपकी जो वर्कशीट है इसमें ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. एक दूसरे के साथ वो 90 का एंगल बना रही हूँ. इफ द फोर फिंगर और द फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड FF एंड द सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट CC, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब यहाँ एक बात मैंने ये रिपीट क्यों की है, क्योंकि आपने सारी चीज अगर आप राइट हैंड रूल की, लेफ्ट हैंड रूल की देखें और जो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल अब आगे आएगा, पूरी स्टेटमेंट सेम है. लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड रूल है इसमें हमें इन दोनों की डायरेक्शन पता होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और करंट की डायरेक्शन क्या है. हमें ये बताना होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा. सो स्टेटमेंट में क्या आएगा कि फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. सेंट्रल फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. जो मध्यम उंगली है, मध्यमा है, ये विद्युत धारा की दिशा में, दिशा को इंगित करती है. और जो प्रथम उंगली है, प्रथम फर्स्ट फिंगर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर इशारा करती है. तब अंगुष्ठ या अंगूठा या थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये विल वर्ड थंब के साथ आएगा. बच्चे स्टेटमेंट लिखने में सिर्फ यही गलती कर जाते हैं, इनके साथ आपने प्रेजेंट टेंस यूज करना है. फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग या पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, देन द थंब विल पॉइंट. अंगूठा बल की दिशा दर्शाएगा. ये चीज आपने याद रखनी है टेंस का कि तब थंब जो है वो बल की दिशा दर्शाएगा, क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है वो इस थंब की डायरेक्शन यानी कि बल की दिशा बताने के लिए यूज किया जाता है. तो ये दोनों पता है और ये पता लगेगा. ये चीज आप याद रखना जब आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स.
स्टेट द रूल, देखो आ गई स्टेटमेंट आ गई, स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए बल विद्युत धारा प्रवाही चालक में चालक पर लगने वाले बल को बल की दिशा प्राप्त करने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है. सो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आधा नंबर आपका इसका नाम लिखने का है, और फिर अगला जो भी 1.5 मार्क होगा अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी स्टेटमेंट का है. फाइन, तो स्टेटमेंट एग्जैक्ट लिखनी है जैसे आपको समझाई गई है. क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशंस, किन परिस्थितियों में फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, विद्युत धारा प्रवाही चालक पर लगने वाला बल जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, उस पर लगने वाला बल मैक्सिमम सबसे अधिकतम कब होगा. ये सिंपल सा ही है, ये भी 1 मार्क में आ सकता है और ये MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है. डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, बट कौन सा ऑप्शन ठीक है. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, इन दैट सिचुएशन फोर्स वुड बी मैक्सिमम, अदरवाइज फोर्स भी हल्का लगेगा, कम होगा. क्वेश्चन नंबर 3, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है. सेम सिचुएशन आप इमेजिन करेंगे अपने माइंड में. नाउ आंसर, ये सिचुएशन आपको दे दी, अब आपको आंसर देना है ए एंड बी पार्ट का. राइट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिपेंड्स. कंडक्टर पर जो लगने वाला बल है, डेफिनेटली जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और करंट उसमें से फ्लो करेगा तो उस पर बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, कारक कौन से हैं. तो सबसे पहली बात है इन दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल, कोण, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन में द एंगल, कितने डिग्री का एंगल है. अगर ये 90 डिग्री पे है दोनों तब फोर्स मैक्सिमम होगा. दूसरा डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, विद्युत धारा की मात्रा. तो विद्युत धारा अगर ज्यादा प्रवाहित होगी तो भी ज्यादा फोर्स लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग है तो भी करंट ज्यादा, बल जो है वो, फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा. सो तीन फैक्टर्स है. बी पार्ट है, इफ द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब जो है वो दाएं से बाएं की तरफ फोर्स लग रहा है, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज. इस बल की दिशा में जो राइट टू लेफ्ट था, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में था, उस पर उसकी दिशा में क्या परिवर्तन होगा, उसकी डायरेक्शन में क्या चेंज होगा. इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दें. अब सपोज करिए कि इस जो ये सिचुएशन है उसमें लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट बाएं तरफ जा रहा है, अगर हमने इसकी दिशा बदल दी चुंबकीय क्षेत्र की, साउथ ऊपर कर दिया, नॉर्थ नीचे कर दिया, यही है ना, दिशा तो बदल जाएगी तब चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की, तब क्या होगा, तब फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट टू राइट, रिवर्स हो जाएगा. एक चीज की डायरेक्शन बदलेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी. सेकेंड पार्ट है, अगर हमने करंट की दिशा बदल दी, अभी है ए टू बी और मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है तो लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट है, लेकिन अगर हम बी टू ए कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं बदल रहे, अभी हम मैग्नेट को नहीं चेंज कर रहे, तब क्या होगा, अगेन द डायरेक्शन वुड बी रिवर्स, अब ये फिर से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, अब ये राइट की तरफ जाएगी. सो दोनों ही पार्ट्स में फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जो इस वर्कशीट में आपके सेकेंड बी पार्ट में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, सब पार्ट्स हैं उसके. तो दोनों में ही क्या है, एक में मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, चुंबकीय क्षेत्र चेंज किया, तो बल की दिशा उल्टी हो जाएगी, अगर अभी वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो बाद में राइट की तरफ जाएगा. और सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं. सो फिर से यही बोला गया कि करंट की बदलनी है, मैग्नेटिक फील्ड की नहीं बदलनी, तो फिर अगेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड बी रिवर्स, अगर अभी वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो बाद में राइट की तरफ जाएगा. सो इस तरह से थोड़े से एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1-1, 2-2 मार्क्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे. सो अंडरस्टैंड करिए टॉपिक को, कंसेप्ट के साथ क्लैरिटी बनाइए, फिर ये क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे. 2-3 बार आप इन चीज़ों से गो थ्रू करेंगे, रीड करेंगे, सो माइंड में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे. फाइन, सो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा क्रैम नहीं करना है, सिर्फ 1-2 दिन 2-3 रूल्स हैं जिन्हें क्रैम करना है, अदरवाइज बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. सो 2-3 बार सुनिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए,
definitely you will score good marks. Good luck.